जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, अगर आपने इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप सभी को पता है 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं सीडीएस के एग्जाम में, ईडमिन फ्रेजेस के। तो आपके सामने अब क्या वो रहता है कि आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, आपको उसमें से ढूंढना है ना, सर्च करना है। मतलब आपको याद भी होगा तब भी आपको सर्च ही करना है, आपको नहीं भी याद है तब भी आप सर्च कर सकते हो। तो किस तरीके से सर्च करना है, पहली चीज़ ये, और दूसरा इसके एक एक कहानी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपने कहानी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, तो आपका कभी भी ईडीएम फ्रेज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी लाइफ टाइम में। और ये आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ठीक है, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मतलब अगर आप आधे घंटे की वाली वीडियो देख लोगे, बस सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की वाली वीडियो देखो और मस्त अपना एग्जाम में जाओ और 10 क्वेश्चन आपके ईडीएम फ्रेज के सही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गई ना एक बार, बस आपको लाइफ टाइम के लिए, फिर वो एक बार आपको समझ में आ गई फिर वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी, ठीक है ना। तो बस आपको एक ही बार फोकस करके एक बार समझना है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये ईडीएम एंड फ्रेजेस आए कहाँ से। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये बकवास की जो चीज़ है जो इंग्लिश में बनी है, ये क्या कट द कॉर्ड, फ्रेंच लीव, ये सब ये कहाँ से आए, क्यों आए, ये क्या रीज़न था इनका यहाँ पे आने का। तो पहले मैं ये आपको, अगर ये आपको पता है ना कि आप इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसका ओरिजिन अगर आपको पता है कि कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ने में बिल्कुल एकदम फटाफट हो जाएंगे। खासकर जो सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं ना, आपका चले जाएंगे कि यार ये तो मेरे को पहले अगर ये वाली ट्रिक पता होती तो मैं तो सारे क्वेश्चन करके आता। बच्चे ये सब छोड़ के आते हैं कि ये तो मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा। वो तो कोई बात ही नहीं होती भाई, आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अपने एक नोट्स वाला पेज खोलूँगा, आपको उसके ऊपर थोड़ा साइड में जाकर एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करके देखना। तो ये देखिए, आपको यहाँ पे ईडीएम्स दिखाई दे रहा है, ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको ये टेलीग्राम नीचे चैनल पे लिंक है वहाँ पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में। और ये मेरा एक पेज है, ऐसे मेरे 20 पेज हैं, टोटल 20 पेजेस हैं। अगर वो मैं मतलब आपको ना ये एक चीज़ मैंने मतलब एक दिन में नहीं पढ़ाई कि मैंने एक दिन में ये सब पूरा कवरअप कर लिया, मेरे को इसको महीनों महीनों लगे हैं पढ़ने में, बट आपको मैं ये सब फ्री में दे रहा हूँ, आपको कोई नहीं प्रोवाइड करेगा ये सब फ्री के अंदर। तो ये जो है ये सीडीएस के हैं, एफ कैट के हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करा है बस, और कुछ नहीं। और एसएससी के हैं, इन तीनों को मैंने अरेंज करा है। और अब आप वीडियो देखें बस, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसके बाद आप नीचे कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़, और लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाना भाई, सभी से, बहन भी जो भी हैं मेरी वीडियो देखने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है। तो ईडियम्स क्या चीज़ होती है, देखो ये कुछ नहीं है, जैसे पुराने टाइम में एक कोई भी एक स्टोरी होती थी, स्टोरी कोई भी एक स्टोरी हुई जिसके मतलब जिसके बेसिस पे कोई एक कहावत हो जाती थी। जैसे कि आप अगर थोड़ा सा हिंदी में आपने एक वो सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी एक ऐसे करके जो लाठी होती है उसी की, वो एक काली जैसी भैंस होती है ना, उसी की भैंस, इस तरीके से आप एग्जैक्ट तो बना नहीं पा, ये देख लीजिए उसकी भैंस, ठीक है ना, ऐसे याद कर लिए, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वहीं से आया है, मतलब कि इसके पीछे कुछ ना कुछ एक स्टोरी रही होगी, उसी के बाद ये वाली थीम आई है, मतलब एक सारांश आया है, सारांश इन द सेंस मीन्स उसके बाद एक फाइनल एंड, ये एंड रिजल्ट है, ठीक है ना, एंड रिजल्ट है। कोई भी एक ईडियम है उसके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी रही होगी, कहानी रही होगी, उसी के बाद वो ये चीज़ बनी है, ठीक है ना, थोड़ा जूम करते हैं, उसी के बाद ये चीज़ कहानी बनी है। तो जैसे कि अभी मैं आपको, जैसे कि इसके पीछे कोई ना कोई थीम रही होगी, या तो थीम कह लो, या कोई कहानी कह लो, स्टोरी कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा है, तभी वो ये चीज़ ऐसे कुछ बनाया है, थीम बनी है, या फिर ईडियम, उसको उसी को हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये हो गई इसकी स्टोरी थीम लाइन। अब मैं आपको 3-4 चीज़ ऐसी करवा दूंगा रैंडमली, जैसे कि रैंडमली मतलब जैसे कि हाँ, जैसे फेदर है, ये आपको एक डायग्राम बना के बनाना पड़ेगा, अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि फेदर है, फेदर से आपके माइंड में क्या चीज़ आती है, पहले तो मेरे को ये बताओ। पंख आता है, एक पंख कैसा होता है, अगर आप कबूतर का पंख देखोगे तो वो थोड़ा इस तरीके का कुछ होता है, ऐसे हल्का हल्का पंख, बहुत ही हल्का होता है। तो आपके माइंड में क्या होता है, आपके माइंड में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में आप खुद बताना। पंख के बारे में आपको एक चीज़ आ रही है कि वो एक तो लाइट होता है, हल्का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा देखने के अंदर, ठीक है, अच्छी बात है, ये सब आना चाहिए माइंड के अंदर आपको, जो आप खुद बताना क्या होगा। और ये क्या बनाने के काम आता है, हाउस, किसका, जिसको हम बोलते हैं नेस्ट, चिड़िया का जो घर होता है वो भी तो इसी से बनता है ना, ठीक है ना। तो फेदर से हमने 3 वर्ड निकाल लिए कि ये हल्का होता है, ब्यूटीफुल होता है, और ये होता है। अब मैं इन तीनों से ही आपको इसके ऐसे ऐसे वो करवा दूंगा ईडियम फ्रेजेस, जो आपने सुने होंगे, बहुत टफ लगते होंगे, वो ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे, एक चुटकी बजाओगे और याद हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब हम पहला लिखते हैं, जैसे कि देखो यहाँ देखो, पहला देखो इसका, फेदर इन वंस कैप। अब आप खुद बताना कि ये मैंने टोपी बना दी भैया, लो जी टोपी बन गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक फेदर लगा दिया, मोर का या किसी भी एक चीज़ का फेदर लगा दिया, ठीक है ना। तो आप मेरे को खुद बताना ये टोपी है, अगर दिख रहा हो थोड़ा सा डायग्राम ऐसी बन रहा है यहाँ पे पेन से, ठीक है ना। देखो ये टोपी है, इसमें मैंने एक फेदर लगा दिया, किसका, मोर का। तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, आप खुद बताना कि आपकी टोपी में एक मोर का पंख लगा हुआ है, तो आप कैसा फील करोगे, एक अचीवमेंट फील करोगे कि नहीं करोगे। तो इसका मतलब अचीवमेंट होता है। देखो मैंने आपको कितना बेसिक सी चीज़ से कहाँ तक मैं पहुँच गया, आपको ये अभी तक याद था, बट आपको ये भी लाइफ टाइम याद रहेगा। जैसे फेदर योर नेस्ट, अब इसका मतलब क्या है, देखो
फेदर योर नेस्ट, मतलब अपने केवल अपने की बात हो रही है, जैसे कि दूसरे का तुमने घोंसले से फेदर लेके आ गए और अपना तुमने घोंसला बना लिया, ऐसे फेदर इकट्ठा इकट्ठा कर करके तुमने अपना घोंसला बना लिया, मतलब अपने आप को एनरिच कर लिया, एनरिचिंग योर सेल्फ, ठीक है ना, अपने आप को ही तुमने एनरिच कर लिया, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। अब आता है शो द वाइट वेदर, अब वाइट फेदर, सॉरी वाइट फेदर, देखो अब खुद खुद समझना, सफ़ेद फेदर, सफ़ेद वाला, अब देखना ये एक इसके पीछे कहानी है, स्टोरी है, वो थोड़े से आपको मैं बताता हूँ। देखो स्टोरी क्या है, स्टोरी ये है कि जब एक पुराने ज़माने में मुर्गों की फाइट होती थी, अब देखो मुर्गा एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा बट हाँ बना दूंगा, देखो ऐसे करके ये मुर्गा है, ठीक है ना, इसकी टांग होगी, ठीक है ना, और इसके ये हो गए पंख। तो हम बोलते थे जिस मुर्गे के वाइट फेदर हैं इसका मतलब क्या है, उसकी वो लड़ा नहीं है, उसमें मिट्टी नहीं लगी, उसमें धूल नहीं गई, मतलब वो सफ़ेद के सफ़ेद ही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो खुद बताओ, आप खुद आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या चीज़ है, मैं थोड़ी देर पॉज दे रहा हूँ, आप खुद सोचना कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़ा ही नहीं, इतना डरपोक है वो, कवार्ड है वो, इतना कवार्ड है कि वो लड़ा ही नहीं, इसका मतलब कवार्ड होता है, वाइट फेदर, उसके सफ़ेद ही रहे, मट्टी नहीं लगी उसके अंदर, कहानी है ना इसके पीछे, हो गया ना याद, अगर आप इसको रटने बैठ जाओगे ना तो ऐसे हजारों हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बस मैं तो यही बोलूँगा, मैंने जो कर रखे हैं बस वही मैं आपको सारे करवा दूंगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसकी ना 10 वीडियो की एक सीरीज लेके आ जाता हूँ, ये पार्ट वन है तो आपको सारे करवा दूंगा मैं, अल्टरनेट मतलब एक दो दिन में आज एक दो करके डालूंगा, तो मैं सारे कवर अप कर सकता हूँ ऐसे ही, अगर आपको लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना, पक्का से मैं इतने अच्छे से करवा दूंगा, आज तक आपने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, मज़ा आएगा आपको। और देखो ये वाला देखो फेदर ब्रेन, अब मैंने आपको एक फेदर का मतलब वो भी बताया था क्या, लिखा नहीं जा रहा, फेदर का मतलब मैंने एक चीज़ बताया था कि हल्का होता है, यहाँ पे फेदर हल्का होता है ना, और ब्रेन किसका, जिसका हल्का ब्रेन हो, जिसकी आदमी की बुद्धि, ये आदमी है, ठीक है ना, हैप्पी है वैसे तो देखो, लेकिन देखो इसमें इसके इतना हल्का दिमाग है इसका, इसका दिमाग इतना हल्का है कि इसको हम क्या बुलाएंगे, स्टूपिड बुलाएंगे ना, स्टूपिड पर्सन, तो जिसका फेदर लाइक ब्रेन होगा वो कैसा बंदा होगा, खुद बताओ आप, स्टूपिड होगा वो, है ना, समझ में आ गई बात, यही कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ के पीछे एक कहानी है, उसका बोलते थे ना इसका, इसमें इसका दिमाग तो एकदम मोर के पंख की तरह है, इतना हल्का है कि कुछ है ही नहीं, स्टोरी है ये, स्टोरी से बनाया सब कुछ मामला, अब आधे बच्चों को तो ये पता ही नहीं इडियम्स क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं, तो वो कैसे कर लेंगे क्वेश्चंस को, बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स है, कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा आपको, यूट्यूब पे कहीं भी चले जाओ सब बस रटवाने लगेंगे, रटवाने से नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है हर एक चीज़ का, ठीक है ना, और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, मेरे इस बार जो क्वेश्चन आए थे मैंने भी देखे हैं, वो इतने ईजी ना, इतने ईजी ना, मतलब आप पेन भी नहीं उठाओगे, आप सीधे क्वेश्चन कर करना, आप मैं गारंटी बता रहा हूँ आपके सही होंगे। अब मैं एक चीज़ और करवा देता हूँ अगला, ये देखो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल द इडम्स आर द स्टोरी बिहाइंड, मतलब उसके पीछे लिंक होता है, उसको उसको याद करना है, मैनी आइडम्स रिमेंबर बाई द बंच, एक साथ याद कर सकते हैं, मैंने देखो फेदर के मैंने क्या लिंक बना रखे हैं कि वो लाइट होता है, ब्यूटीफुल होता है, टू मेक नेस्ट हाउस बनाने के काम आता है, ये पहला हो गया, यहाँ से मैंने वो आया नहीं फोटो में अच्छे से, फेदर इन वंस कैप, ये पहला हो गया, दूसरा फेदर्स योर नेस्ट, शो द वाइट फेदर, मतलब वो डरपोक है, इसका मतलब डरपोक है, फिर क्या है इसका देखो, बर्ड ऑफ द फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब है जो भी सेम टाइप के लोग हैं वो, जैसे कि हम खुद बताना, ये एक बच्चा है अगर वो नॉटी है तो उसके साथ सारे बच्चे एक साथ रहेंगे ना, नॉटी नॉटी वाले, क्लास में एक बच्चा ग्रुप होता है ना कि एक अच्छे बच्चों का ग्रुप आता था, एक लास्ट बेंचर का, एक फर्स्ट बेंचर का, तो एक जैसे बच्चे एक साथ रहेंगे, तो यहाँ पे सेम वर्ड यहाँ पे है, मतलब बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो एक ही साथ रहते हैं, ये बताना भूल गया था मैं लास्ट वाली साइड में, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो देखो फेदर ब्रेन, फेदर ब्रेन क्या होता है, हल्का हल्का ब्रेन, मतलब स्टूपिड है वो, ठीक है ना। अब ये देखो रफल सम फेदर्स, अब देखो रफल मतलब होता है छेड़ना, मतलब उसको ऐसे हाथ से करना, अब कि कोई भी ऐसे समझो कबूतर है, उसको तुम कबूतर मान लो, कुछ भी मान लो, अगर तुम उसके फेदर को छेड़ोगे, रफल करोगे तो वो एंग्री हो जाएगा ना, एनॉय करोगे उसको, छेड़ना खुद ही आ जाएगा यार समझ में, रटने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान है इसका मतलब, देखो रफल सॉरी स्मूथ रफल्ड फेदर, स्मूथ करना रफल्ड फेदर्स को, मतलब जो एक साथ जो जिसको हमने छेड़ा था उसको स्मूथ कर रहे हैं, ठीक है ना, स्मूथ कर रहे हैं मतलब उसको काम कर रहे हैं, तो जिस जहाँ पे भी काम आ जाएगा उसका मतलब ये हो जाएगा, इस पूरे का मतलब है काम करना किसी भी आदमी को, ठीक है, कहीं भी यूज़ हो सकता है यार, ये स्टोरी है, छोटी छोटी स्टोरी है, आपके दिमाग में आएंगी पक्का। तो आगे चलते हैं, अब हम बढ़ेंगे स्लीव्स के, एक साथ में सारे करवा दूंगा, बस एक बार डायग्राम बनाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, हम बढ़ेंगे स्लीव के, देखो स्लीव के क्या होता है, स्लीव का मतलब होता है बाजू हिंदी में, अगर कोई हिंदी वाला नहीं है, स्लीव मतलब जैसे कि एक कोई लड़का है तो अगर उसने टी शर्ट पहनते तो जो अपनी शर्ट को ऊपर फोल्ड करते हैं ना, तो अगर मैं छोटा सा ऐसे करके दिखाऊं, अगर ये शर्ट है किसी की, देखो डायग्राम इतना अच्छा नहीं बट थोड़ा सा कोशिश करना कि समझ में आ जाए, क्योंकि बिना डायग्राम के ना ये इडियम एंड फ्रेजेस होते ही नहीं है, ये पैंट हो गई उसकी, ये पैर हो गए, ये उसकी मुंडी हो गई, ठीक है ना, ये हो गए उसके बाल, तो वो अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर रहा है, ये उसका हाथ हो गया,
उसने अपनी स्लीव्स को फोल्ड करा, स्लीव्स मतलब बाजू होती है, इसको फोल्ड करना, ठीक है ना। अब देखो पहला क्या है, वियर योर हर्ट ऑन द स्लीव। अब इसका मतलब क्या है खुद बताना। अगर वो अपना दिल यहाँ पे रखता है, यहाँ पे कोई बंदा है अपना दिल यहाँ पे रखता है बिल्कुल एकदम स्लीव्स पे, इसका मतलब क्या है वो कि वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट इमोशन, उसने अपना दिल बाहर ही रख रखा है, ट्रांसपेरेंट इमोशनल है वो, ठीक है ना। इतना इमोशनल है कि वो आर पार है, उसके उसके आर पार देख सकते हो आप, इतना इमोशनल बंदा है कि वो अपना दिल अपने हाथ पे लेके घूमता है स्लीव्स के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हैविंग समथिंग अप वन स्लीव्स, मतलब क्या है इसका। देखो अपने उसने जैसे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब जो जो बच्चे से फड़के नहीं जाते तो वो अपने स्लीव्स में क्या है फर्रे छुपा लेते हैं, छोटे छोटे फर्रे नहीं होते जैसे छोटे छोटे फर्रे एग्जाम टाइम पे तो चीटिंग के लिए, तो वो अपने यहाँ पे छुपा लेते हैं स्लीव्स के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, वो एक सीक्रेट है, सीक्रेट प्लान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, प्लान हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीक्रेट है, बस इतना याद रखो कि सीक्रेट है इसका मतलब, ठीक है। अब चलते हैं, रोल अप वन स्लीव, इसका मतलब क्या है, रोल अप वन स्लीव मतलब एक बंदा है उसने अपने स्लीव्स रोल अप कर लिए, रोल अप वन स्लीव अपने अपने क्यों करे, क्योंकि वो कुछ हार्ड वर्क करने जा रहा है। अब खुद बताओ कि अगर आप जैसे कुछ भी आप अगर आप फार्मर हो कहीं से, फार्मर से रिलेशन है, तो फार्मर अपने स्लीव्स ऊपर काम करके क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, तो वो हार्ड वर्क करते हैं ना वो लोग, उसका मतलब है हार्ड वर्क हो गया खत्म। ये फार्मर से रिलेट कर करके याद करना इसको, ठीक है ना। हार्ड वर्क करते हैं वो लोग, खत्म हो गया। अब क्या है, लाफ, लाफ कैसे बनेगा, ऐसे हंस रहा है वो, लाफ अप वन स्लीव्स मतलब उसने अपनी स्लीव के अंदर कुछ छुपा रखा है और वो खुद ही हंस रहा है। वन स्लीव अपनी उसने कुछ एक मतलब इसका मतलब देखो क्या होता है, टू लाफ सीक्रेटली और टू वन सेल्फ, मतलब वो खुद खुद ही हंस रहा है, उसको पता है सीक्रेट क्या है, खुद ही पता है उसको। जैसे आपको कोई बात सीक्रेट पता होती है और कोई आपके सामने झूठ बोल रहा होता है तो आपको हंसी आती है मन ही मन के अंदर, तो ये वो है, ठीक है। स्लीव्स के देखो सारे हो गए, ठीक है। अब हम करते हैं हील के, हील के भी करते हैं अभी। देखो अब मेरे को ये बताओ कि आप हील क्या चीज़ होती है, हील हाई हील दे नच्चे ऐसे करके गाना भी तो बनाना है इसके ऊपर। हील क्या होती है, मतलब जो ईडी होती है ना, मतलब इसको बोलते हैं हम हील, ठीक है ना। अब आप खुद बताना जो कूल है ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव होता है ये वर्ड हमेशा। ठंडी, जब आदमी मर जाता है ना तो उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है, और हमारी अभी कैसी बॉडी है, हॉट बॉडी है, हॉट, ठीक है ना। देखो ये पॉजिटिव वर्ड होता है, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। अब कोई भी चीज़ कूल हो जाती है तो वो मतलब एक तरीके से मर जाती है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया। तो इसमें देखो वन कूल वन हिल्स मतलब कि वो वेटिंग कर रहा है, ठीक है ना, इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार में उसकी एड़ियाँ ठंडी हो गई हैं, याद करने का तरीका। अब आता है हॉट, हॉट में होता है नेगेटिव, देखो ये सॉरी ये पॉजिटिव होता है, हॉट का मतलब होता है पॉजिटिव। अब देखो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो अब ये एक चोर है, ये है थीफ, ये है पुलिस, ठीक है, ये इसका पीछा कर रही है, तो इसकी जब ये भागेगा तो इसकी जो हील है वो गर्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, ये बताओ बस मेरे को, हॉट हो जाएंगी ना। तो किसी का पीछा करना, परस्यूट करना, किसी का पीछा करना, एक परस्यूट, एक वो भी आता था ना NFS वाला गेम, अगर लड़के खेलते होंगे तो। देखो छोड़ो उससे बातें, अब हाँ परस्यूट मतलब किसी का पीछा करना, ठीक है ना, मतलब उसके बिहाइंड या फिर आ सकता है फॉलो करना किसी को, यार कुछ भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, यही नहीं कि परस्यूट ही बढ़ाएगा, फॉलो आ सकता है, तुम याद करके गए फॉलो आ गया परस्यूट, मतलब बस थोड़ा सा माइंड खुला होना चाहिए, पक्का एग्जाम में आता है ये सब रिपीटेड है यार। ये मैंने हील के देखो एक जगह इकट्ठा कर लिया, अब अगर आप अलग अलग पढ़ोगे ना दिमाग की दही हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, और ये खासकर जो है CDS और FCAT में भर के आते हैं भाई, एक एक आधा नहीं आता FCAT में, मतलब ये मानो इतने रिपीट आते हैं इतने। FCAT कुछ नहीं है, SSC का ये एक पार्ट है, SSC के जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना मैथ के और इंग्लिश के, यहीं पे वो शिफ्टों में यहीं पेस्ट करते रहते हैं। CDS में आते हैं नए, नए भी नहीं आते, वो भी NDA से उठा लेते हैं या तो फिर CAPF से, कहीं ना कहीं से उठा ही लेते हैं वो लोग, प्रीवियस ईयर ही आते हैं रिपीटेड ज़्यादातर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आते हैं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो बोलूँगा याद मत करो, कॉन्सेप्ट रखो अपने माइंड के अंदर, कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये कॉन्सेप्ट ही तो है। अब बताओ मैंने आपको ये चीज़ याद करवा रहा हूँ, नहीं यार ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको आता है तो बेस्ट, मतलब इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। आगे चलते हैं, किक योर हील, देखो अब अपनी आप चेयर पे बैठे हुए हो, समझो एक मतलब बस बैठे हुए आप और बैठे हुए हो ये रहा पे, और अपनी आप पैरों को नीचे मार रहे हो, किक कर रहे हो, क्यों, क्योंकि जब भी आप सोचो, जब भी कभी आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे, SSB देने के लिए जाओगे ना, तो जब कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस हो या तो फिर आपका इंटरव्यू हो, तो जब आप बाहर बैठोगे ना तो आपको पता चलेगा इसका मतलब किक योर हील, क्योंकि आप उस टाइम अपनी एड़ियाँ पीट रहे होगे कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा, वो वाली बात होती है ना, तो उसके टाइम पे इसको रिलेट कर लेना, ये आपको हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, शो ए क्लीन पेयर ऑफ द हील, शो ए क्लीन पेयर ऑफ द हील, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि आपके पैरों के छाप तो कहीं पड़े नहीं, क्लीन पेयर ऑफ हील है मतलब बस हील हील दिखाई दे रही है, वो भाग गया, रन अवे भाग गया भैया, वो बंदा रन अवे हो गया है वो। शो ए क्लीन पेयर ऑफ द हील, रटवाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना, एक बार भी पढ़ लोगे ना, एक बार भी वीडियो भी देख ली ना, एग्जाम में दाएं दाएं क्वेश्चन मारोगे। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं आपको पढ़ा कुछ और रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ और है, तब भी आप देखना कॉन्सेप्ट से कर दोगे, कॉन्सेप्ट से, मैं वो बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं यार, वीडियो लंबी होगी क्योंकि मेरे को समझाना पड़ रहा है,
सॉरी, तो प्लीज़ फुली देखना यार अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एक बार एक देखता हूँ। हाँ, अगली स्लाइड में ही रह गया, देखो। हाँ, इसमें ना एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, थोड़ा सा बस 1 मिनट देना मेरे को। देखो, आपको ना ये एचल्स हिल है, एचल्स हिल्स, प्रोनाउंसिएशन मेरा ऐसे ही थोड़ा गंदा सा है, बस थोड़ा देखना। देखो, एचल्स हिल्स क्या है, कुछ नहीं है, ये एक ना ग्रीक का एक हीरो हीरो मान लो, या फिर मतलब एक हीरो ही मान लो इसको तुम, ग्रीक हीरो था ये, बहुत बड़ा फाइटर था। तो इसने क्या चीज़ करी थी ना, कि ना एक बच्चे को, ये ग्रीक का हीरो है, एक छोटा सा बच्चा है, इसने ना उसको पैर से, अपने पैर से पानी में डुबो के मार दिया, पानी है, पानी में डुबो के मार दिया था इसको। तो इसको श्राप मिला था कि जब भी तू मरेगा ना, तो जो तेरे तीर लगेगा ना, वो तेरे पैर में लगेगा, क्योंकि तूने अपने पैर से बच्चे को मारा था। जो तेरा पैर है, इस पैर से तूने एक बच्चे को दबा दिया था पानी के नीचे, इसी पैर की वजह से तू मरेगा, इसी हील की वजह से तू मरेगा, इसको ये श्राप मिला था। तो जब ये मरा था ना, तो यहाँ पे आके तीर लगा लगा था। ऐसी सेम स्टोरी कुछ कृष्ण भगवान के ऊपर भी है, आपको अगर याद हो तो। मतलब उन्होंने बच्चा तो नहीं मारा था, बट उनके पैर में आके तीर लगा था, वही वाली बात है। तो उसी को एक्सल्स हिल्स का नाम दिया गया ग्रीक में, ठीक है ना। तो इसी मतलब ये क्या है इसका, ये इस वाले हीरो का क्या रहा, वीक पॉइंट, यही तो मैं सुनना चाह रहा था कि ये इसका क्या रहा, वीक पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वीक पॉइंट हो गया, बस ये कॉन्सेप्ट था, स्टोरी थी। अगर आप रटने बैठोगे कि ये होता है, तो बस घंटा याद नहीं होने का भाई, ठीक है। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी से, इसको मिटा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा पेपर को उल्टा स्टार्ट करता था, तो यहाँ भी एक प्रथा चलाते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करते हैं, ठीक है ना। देखो, विद हैवी, इसको लाल करते हैं यार, ब्लैक ब्लैक हो रहा है। विद हैवी हर्ट, किसी का दिल बहुत ही भारी हो जाना, खुद सोचो किसी का दिल भारी कब हो जाएगा, जब वो उसका वेट बढ़ जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो जॉय उम्र में आपका दिल भारी होता है जब, नहीं यार गलत है, सेंस ऑफ शेम हो सकता है, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट में रखो कि ये भी कैंसिल नहीं हुआ। पेन एंड रिग्रेट, ये ज़्यादा सेंसिबल बन रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। मतलब एक सेंस होती है ना, कॉमन सेंस भी होती है। सेम से क्या हम हैवी हो जाते हैं, जब हम सेम, नहीं यार, जब हमारा, जब हमें दर्द होता है, हमारे दिल है ये, दिल के अंदर जब दर्द होगा, रिग्रेट होगा, पेन होगा, तभी तो हमारा दिल भारी हो जाएगा ना, हैवी हो जाएगा। कितना आराम से हो गया, देखो क्वेश्चन वाला, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत थी नहीं ना, डायरेक्ट एग्जाम में करना जाके। देखो, अराउंड द कॉर्नर, ये आपका हो गया कॉर्नर, एंगल बन रहा है ना, ये मैथ नहीं है, बैटरी लोगे। देखो, एंगल बन रहा है ना, देखो, ए थिंग, इसको पढ़ते हैं पहले, ए थिंग विच इज़ एट द एंड ऑफ द कॉर्नर, क्या वो एट द एंड ऑफ द कॉर्नर कोई स्टोरी बनेगी, आप खुद सोचना, इस वाली लाइन से कोई स्टोरी बन सकती है, नहीं बनेगी, ठीक है। एन इवेंट और थिंग विच इज़ गोइंग टू बी हैपन, ऐसा हो सकता है ये वाली चीज़, इसके ऊपर स्टोरी बन सकती है, इसको डाउट में रखते हैं अभी आगे। एन इवेंट दैट द सॉरी एन इवेंट दैट कॉर्नर सम वन फॉर हिज रॉन्ग, उसको कॉर्नर कर देता है, उसने कुछ गलत कर दिया, इसके ऊपर कोई स्टोरी बनेगी, नहीं बन सकती यार, गंदा, एकदम गंदा ही सेंटेंस है। एन इवेंट दैट हैपन इन ए कॉर्नर, जो इवेंट कॉर्नर में हो यार, ऐसा कौन सा इवेंट है जो कॉर्नर में ही होता है, ऐसा कोई इवेंट नहीं है, ऑफ ए पावरफुल प्लेस, प्लेस के कॉर्नर में यार, ऐसा मतलब ये तो बकवास ही लिख रखी है एकदम, मतलब ये सेंटेंस तो कतई बकवास है, तो मैं सबसे पहले काटता, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। इसमें मतलब आप खुद बताना, आपने एकदम मतलब निग्लेक्सिबल से हमने क्वेश्चन करा है, हमें नहीं पता था उसका मतलब क्या है, और यही इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो अब आंसर की में, ठीक है। आगे चलते हैं, इस वाले को करते हैं, चलो। कबोर्ड लव, एक कबोर्ड है, मतलब यार देखो, इमेज बनाओगे ना अपने माइंड के अंदर तो एकदम सजा जाएगा, कबोर्ड है, उसके आगे लव लिख दो, कबोर्ड से प्यार, ये उसका मतलब वो नहीं होता जो एकदम डीप, मतलब इसके पीछे कोई कहानी होगी यार, स्टोरी होगी, बस ये माइंड में रखो, इसके पीछे कोई स्टोरी है, उससे हमें आंसर निकालना है। लविंग द कबोर्ड सबसे पहले काट दो, नहीं होगा। इनोसेंट लव नहीं हो सकता, इनोसेंट लव को हम कबोर्ड लव बोलेंगे, बताना, कबोर्ड लव इनोसेंट हो सकता है, मतलब कोई मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही ना, माइंड के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चल खेलना है। देखो, लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पीपल, हो सकता है, इसको देखते हैं। लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल द कंडीशन, देखो ये वाला अब ज़्यादा परफेक्ट कौन सा लग रहा है, अभी इस वाले क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ ये, या तो आंसर ये होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, या तो आंसर ये होगा, या तो आंसर होगा ये। आप बोलोगे कि भाई तूने तो बोला था सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, भाई यार सारे क्वेश्चन तो मैंने बोला ना, अगर 10 आएंगे तो 8 हो जाएंगे, दो नहीं होंगे, तो इन दो में से ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में डाउट हो गया, लेकिन 50-50% चांस है ना, तो खेलो भाई खेलो। वैसे मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर ये है, लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल द कंडीशन। आप खुद पढ़ना और आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वाला ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, ज़्यादा करेक्ट ये वाला लग रहा है, ठीक है ना। हो गया, आगे चलते हैं। अब बोलोगे भाई तेरी तेरी ट्रिक से तो सारे क्वेश्चन होने चाहिए थे जब तू बोल रहा था, भाई यार 8-10 में से बिना पढ़े 8 हो रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो उसको बड़ी बात ही मानता हूँ भाई, मैंने ऐसे क्लियर कराया, आप भी कर सकते हो, इतनी इतनी महारत हासिल करने की जरूरत नहीं होती कि भाई आपको ये कट द कोड, इसका भी हर चीज़ का मतलब थोड़ी ना पता होता है यार आदमी को, इतनी सारी इंग्लिश है, बस वही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से खेलता हूँ मैं, अब आप कैसे भी करो, मेरे को तो पता नहीं आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तभी जाना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, प्लीज़। चलिए आगे चलते हैं, इस वाले को करते हैं। देखो कट, देखो इसको खुद मतलब निकालो, एक बंदा था, दूसरा बंदा है यार, स्टोरी तो ऐसी बनेगी ना, उसने एक दूसरे को कट कर लिया,
अब मेरे को खुद बताना इसका क्या होगा, नीड ऑफ द पेरेंट मनी, मनी से रिलेटेड होगा? नहीं होगा यार, इतना बकवास सेंटेंस है। पहला तो कभी यूपीएससी में होता ही नहीं है, यूपीएससी का रूल है अगर पहला आपको सही साल लग रहा है ना तो उसे काट ही दो, वो तो होगा ही नहीं। अगला बढ़ते हैं, इसको पढ़ते पहले टू बी द, क्योंकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है मतलब ये ट्रिक होती है यार। आप बोलोगे कि हर चीज़ तो तू ट्रिक बता रहा है भाई, देखो अब बताना इस वाले, इसे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे पढ़ने में इसे जल्दी, तो इसे नेग्लेक्ट करने में जल्दी टाइम कटेगा इन इन दोनों को ना, पहले इन दोनों को पढ़ूंगा ना मैं एग्जाम में। जो यार मेरी जो ट्रिक है ना, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको, टू बी सेफ ऑन योर ओन, टू बी सेफ ऑन योर ओन, अपने आप को सेफ करना, कट करना, कोई रिलेशन हो रहा है इसका? नहीं हो रहा, गलत। टू बी मैरिड पर्सन, जब भी मैरिड होती है तो यार नॉट बनती है, गांठ बनती है उसमें, ऐसे करके गांठ नॉट बनेगी उसमें, ठीक है ना? तो आप खुद बताना कि यहाँ पे नॉट बंधेगी क्या, यहाँ पे तो कट करने के लिए बोल रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, तीन हमने नेलेट कर दिया तो ये आंसर हो गया। पढ़ लेते हैं, टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। देखा, एक दूसरे से काट दिया तो वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है, कितना बेसिक सा था विदाउट। अब मैं तो आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, वरना तो फटाक से हो जाते हैं वाले क्वेश्चन पढ़ने के भी, मतलब एक बार पढ़ते ही क्वेश्चन हो जाते हैं वाले। देखो अभी हमने कौन सा पढ़ा था, अभी तक कोई भी नहीं पढ़ा इसमें से, सारे कर दिए हैं। कट एंड रन, अब बताओ इसका, काटना और फिर भाग जाना, ट ट ट ट बताओ स्टोरी क्या होगी इसके पीछे, खुद सोचो इसके पीछे स्टोरी क्या होगी, और फिर एक बार पॉज करो, खुद करो इस क्वेश्चन को प्लीज। देखो, टू अवॉइड ए डिफिकल्ट सिचुएशन बाई लिविंग सडनली, सही है यार, हमने उसको छोड़ दिया काम को बीच में, फिर भाग गए वहाँ से, ये हो सकता है, इसको डॉट करेंगे। टू अवॉइड एन इवेंट सडनली, सडनली छोड़ दिया उसमें, छोड़ तो दिया, ये तो रन क्यों करा इसका रीजन नहीं बताया ना, कहानी पूरी नहीं हुई है इसमें सेंटेंस में, तो ये नहीं होगा। टू मीट सम डेंजर सडन, मतलब डेंजर सडन से मीट हुआ, ये भी नहीं होगा। तो यार वो रन अवे कर रहा है ना, रन भाग रहा है यार वो, इस वाले वर्ड को तो फोकस करो, जो सेकंड वाला वर्ड है ये वाला रन, वो भागा है, भागा तो है ही नहीं यार वो, उसने डेंजर आ गया बस, भागने की तो बात ही नहीं। टू आस्क फॉर ए सडन मीट विद समवन, यहाँ तो मीटिंग हो रही है, दो लोग मिल रहे हैं आके, कट और रन की तो बात ही नहीं हो रही, ये भी गलत हो गया, तो यही हो गया। टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लीविंग सडनली, कितने आराम से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब इसमें ये ट्रिक नहीं है, कॉमन सेंस है यार ये, स्टोरी सोचो कि स्टोरी क्या बनी होगी, आराम से क्वेश्चन होंगे। टेक ए स्टैंड, इसका बताओ, चलो सोचो यार, खुद सोचना एक बार प्लीज़ इसको, एक बार पहला पढ़ो। देखो, टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, मतलब हमने किसी के लिए स्टैंड लिया, एक बंदा है उसने किसी दूसरे बंदे के लिए पब्लिकली स्टैंड लिया, मतलब ये वाली स्टोरी इसमें बैठ रही है ना, मैं तो इसको एकदम ही मार देता क्योंकि देखो मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैठ गया, पहला ही बैठ गया। अब बोलोगे पहला बैठ गया तो गलत होता है, पढ़ लो ना एक बार आगे। टू मेक द स्टैंड ऑफ फॉर वन टू सिट, क्या है स्टैंड फॉर वन टू सिट, मतलब तुम खड़े हो गए एक दूसरे को बैठने के लिए, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फर्म ऑन योर वर्क, अपना काम मतलब फर्म आराम आराम से करना, फिम करना, ठीक है। टू बी पार्ट ऑफ द वर्क, किसी वर्क का पार्ट होना, तो उसमें स्टैंड होने की बात तो कुछ आई नहीं रही ना। स्टोरी, स्टोरी सोचो, स्टोरी क्या होगी, स्टोरी जैसी आपके माइंड में आनी चाहिए। ईडियम, ईडियम मतलब स्टोरी, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो मैच हो गया, खत्म बात, आगे चलते हैं। अब देखो, फ्रेंच लीव, फ्रेंच की छुट्टियाँ, अब ये क्या है, एबसेंट फ्रॉम द वर्क विदाउट आस्किंग फॉर द परमिशन इन द फ्रेंच, ये क्या है, बकवास है, छोड़ो बकवास ही है, खुद पढ़ो एक बार, क्या है परमिशन मांग के नहीं गया वो छुट्टी, क्या क्या ये कोई सेंस बन रही है। दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, आस्किंग फॉर परमिशन बिफोर लीविंग वर्क, परमिशन मांगना ही, ये भी कोई बकवास है यार, मतलब ये ना घुमाने के लिए, ये लीव है ना, ये घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया मैं कि ये छुट्टी जा रहा है तो छुट्टी परमिशन मांग के जाएगा। अगला पढ़ो, वर्क फॉर परमिशन टू गेट लीव, वर्क फॉर परमिशन टू गेट, इसके ऊपर क्या ये वाली स्टोरी बनी होगी, फ्रेंच की छुट्टियाँ, इतना फेमस वर्ड हो गया फ्रेंच की छुट्टियाँ कि सब उसको बोलेंगे कि ये तो फ्रेंच की छुट्टियाँ हो गई हैं, नहीं ना। अब इसको पढ़ना, एबसेंट फ्रॉम द वर्क विदाउट आस्किंग द परमिशन, तभी तो उसको इसी के ऊपर स्टोरी बनी होगी कि फ्रेंच वाले लोग विदाउट परमिशन छुट्टी मार लेते हैं, तो इसको बोल देते हैं फ्रेंच लीव, स्टोरी बनी ना, स्टोरी से हमने बनाया फ्रेंच लीव, हो गया तरीका। आगे चलते हैं, देखो, गेट द ग्लिटर, ग्लिटर क्या होता है, अब मेरे को घंटा नहीं पता ग्लिटर क्या होता है, ग्लिटर बस हमें इतना पता है कि भाई चमकीला वाला ऐसे रंग होता है, ग्लिटर पेन आते थे ना, एक ऐसे करके पेन आता था ग्लिटर का, उसके अंदर चमकीला वाला वो होता था, तो उससे हम लिखते थे, तो उससे मज़ा आता था, हैप्पी होती थी फीलिंग, मतलब एक होता ना कि फीलिंग हैप्पी या फिर फीलिंग। अब ये वाला देखो, उन्हीं क्वेश्चन में से है जो कि मैंने बताया था ना, आठ में 10 में से 8 हो जाएंगे, 2 नहीं होंगे, उसमें से एक है, हमने 8 कर लिए, 2 ही क्वेश्चन फंसे हैं। देखो, एंग्जियस, हैप्पी, स्टैमरिंग मतलब स्टैमर करना, और फीलिंग एक्सपोज्ड। अब फीलिंग एक्सपोज तो होगा नहीं, इसे काटो, स्टैमरिंग होगा नहीं, ग्लिटर का मतलब या तो एंग्जियस होगा या हैप्पी होगा। देखो, अगर मैं मार के आता तो मैं मार के आता हैप्पी वाला, लेकिन इसका आंसर हैप्पी नहीं है, इसका आंसर है एंग्जियस। हैप्पी और एंग्जियस का मतलब यही होता है, जो ग्लिटर होता है ना वो रुक रुक के चलता है ऐसे, मतलब थोड़ा सा चमकीला होता है, चमकीला कलर होता है वो, सुखता ऐसा कुछ होता है ना वर्ड, कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। हैप्पी और एंग्जियस में ज़्यादा ज़्यादा अंतर नहीं होता, जब कोई बंदा ज़्यादा हैप्पी हो जाता है तो उसको एंग्जियस बोल देते हैं, ठीक है ना, वो वाली बात है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया, आंसर इसका क्या है, ए है, हमेशा इसका आंसर अब याद कर लो कि इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब हमने देखो 10 में से 8 कर दिए हैं, 2 में हमें डाउट था, एक तो ग्लिटर वाला क्वेश्चन था और ये कपड़ वाला, 10 में से हमने 8 बिना पढ़े कर दिया, मतलब स्टोरी स्टोरी लाइन से। सोचो अब आपकी किस लेवल का है ये इडियम एंड फ्रेजेस, और कितना टाइम लगा हमको करने में, अब मेरे को समझाने में टाइम लगा, ये केवल और केवल 10 है ना, एक एक मिनट में 10 मिनट लगे एफकेट के एग्जाम में आपके,
ईडीएम एंड फ्रेजेस पक्का से पक्का आते हैं, ठीक है। कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन 3 नंबर के, 3 3 जा 9 मार्क्स, 9 मार्क्स के आपके केवल और केवल ईडीएम एंड फ्रेजेस आते हैं, ठीक है। तो देखो ये हर बार का क्वेश्चन है, तो आपको मैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपके कम से कम 3 में से 2 तो सही हो ही जाए, 3 में से 3 भी सही हो सकते हैं, लेकिन 3 में से 2 कम से कम सही हो जाए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ ऐसे करते हैं और ये सही हो सकता है मेरा, ठीक है। देखो पहली पहली बात, ईडीएम एंड फ्रेजेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेंटेंस की फॉर्म के अंदर, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्म। सेंटेंस के फॉर्म जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2022 के सॉरी 2020 में फर्स्ट में आया था और 2022 के सेकंड में आया था। देखो एक बार मैं आपको दोनों के एक एक टाइप करवा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, बीच में एक ईडियम लिखा हुआ है, उसके बाद ऑप्शन दिए हुए। क्या क्वेश्चन क्या है आपका, द साइट ऑफ द एक्सीडेंट मेड माई फ्लैश क्रीप। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो आप क्या होगे, देखो इसमें ना कोई भी एक ईडियम जब भी बनता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, तो जब भी कोई भी एक ईडियम बनेगा तो उसके पीछे क्या होगी, कहानी होगी, क्या होगी, कहानी, ठीक है। तो आपको ये जज करना है कि क्या ये ऑप्शन उस कहानी को मैच कर पाएगा, ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना सा आपको कॉन्सेप्ट है। देखो वैसे तो आपको ईडियम एंड फ्रेजेस याद होने चाहिए कम से कम 1000 के आसपास, जो कि मैंने ऐप के अंदर करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि भाई हाँ ईडियम एंड फ्रेजेस के पीछे कोई ना कोई एक कहानी रही होगी, उसके बाद ही ये बना है ईडियम। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ मैं, आपने कभी ना कभी ये हिंदी में तो सुना ही होगा ना, इसको बोलते हैं ऐसे, आपने सुना होगा काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर, ये तो कभी ना कभी आपने सुना है, कभी ना कभी तो सुना ही होगा, है ना, किसी ना किसी को बोलते हुए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है वो उसको पढ़ नहीं पा रहा है, वो अनपढ़ है, लिटरेट है, ठीक है, अनपढ़ है, अनपढ़ होना, ठीक है, वो अनपढ़ है। तो आपको ये तो चलेगा कि भाई हाँ इसका, इसके पीछे कहानी क्या होगी, कुछ कुछ कहानी रही होगी इसके पीछे, तब ये अनपढ़ इसका सारांश निकला है। तो वही वाली बात है, इंग्लिश में भी सेम ही है, इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब बताना द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे कहीं पे एक्सीडेंट होता है, तो मेड मेड माई फ्लैश क्रीप, तो वरीड मी, मेरे को चिंता हुई, नहीं चिंता, जब भी कभी एक्सीडेंट होगा तो आपको चिंता होगी या आपकी फट के हाथ में आ जाएगी, बताओ सच्ची बताना, तो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड भी होगा, कन्फ्यूजन होगा उस टाइम, जब एक्सीडेंट होगा तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होना, वरीड भी नहीं होना, है ना, ड्रू माई अटेंशन, ये तो कुछ है ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो आपको डायरेक्ट ही पता चल गया, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसके बाद आपको आंसर सही मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया आपका सेंटेंस वाला, सेंटेंस में आपको एक वो मिल जाएगा हिंट कि भाई एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट से रिलेट करके, लेकिन एक होते हैं डायरेक्ट वाले। देखो ये 2020 के फर्स्ट में आ रखे हैं वाले क्वेश्चन, एफकेट में क्या बोल रहा है, गेट इनटू हॉट वाटर। देखो दो टाइप के पानी होते हैं, एक होता है कोल्ड, एक होता है वार्म जो कि नॉर्मल होता है, एक होता है हॉट। तो हॉट वाटर के अंदर उंगली भी डाली नहीं जाती है ना, तो अब बताओ इसका क्या होगा, मतलब आप एक बार ट्राई करो प्लीज़, मैं आपको बोल रहा हूँ इनमें से ऑप्शन को एलिमिनेट करो कि कौन सा नहीं हो सकता, फिर जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। देखो पहला क्या बोल रहा है, टू स्विम इन डीप वाटर, बिल्कुल नहीं होगा, इसके पीछे कभी कहानी बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी, तो इसको काट दो। अगला टू डिस्कस द बर्निंग टॉपिक, ये भी नहीं हो सकता, मतलब कोई कोई कहानी नहीं बनेगी गेट इनटू हॉट वाटर से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई कहानी यहाँ बन नहीं रही है। अब देखो टू थिंक ओवर डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, टू गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन ये भी बन सकती है। अब वो क्या कर रहा है, गेट इनटू, तो आप बताओ यहाँ पे गेट इनटू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये आंसर हो गया इसका, गेट इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गया आप मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, हर एक ईडीएम के पीछे एक कहानी होगी, उस कहानी को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होने वाला। अब बताओ इसका, तो गाइज अगर आपको ये अच्छा लगा तो गाइज एक लाइक और एक कमेंट पक्का से करके जाना वीडियो के नीचे, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यह है रेन कैट एंड डॉग्स, जब भी आपने कभी बारिश सुनी है, बारिश जब बारिश होती है, एक होता है नॉर्मल बारिश, उसकी आवाज़ नहीं आती, एक होती है जब बारिश होती है तो बहुत तेज आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि बाहर कुत्ते और बिल्लियाँ भौंक रहे हैं, तो इसका क्या होगा, हैवी रेन, रेन हैवीली। देखो आपको अगर आपको ये नहीं भी पता था, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल नहीं आता, इसको मैं सब मिटा दिया, आपको नहीं पता था इसका, तो अब बताओ इसमें से एलिमिनेट करके करेंगे। देखो क्या होगा, टू फाइट इन रेन, ये तो बिल्कुल नहीं सकता, रेन के अंदर झगड़ा करना कैट एंड डॉग्स नहीं होगा। उसके बाद आपका ये है कैट एंड डॉग्स फाइट, ये तो बिल्कुल नहीं होने का। रेन वाटर वेस्टेज, ये बिल्कुल नहीं होने का। तो बचा कौन सा, एक ही बचा, मतलब आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करने आने चाहिए, अगर बाय चांस नहीं आता तो ऑप्शन को एलिमिनेट करो और सॉल्व करो, ठीक है।
अब लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, देखो अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करना प्लीज, आप सभी से मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सभी एक बार ट्राई करें। एफकैट का ही क्वेश्चन है ये, 2022 के फर्स्ट में आया हुआ है, एक बार खुद ट्राई करोगे आपको पता चल जाएगा कि भैया इस तरीके से करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। देखो बस आपको इसके अंदर ड्रैगर्स का मतलब पता होना चाहिए, ड्रैगर का मतलब कुछ नहीं होता है, खंजर होता है। चलो अब मैंने बता दिया, अब ट्राई करो, खंजर एक नॉर्मल चाकू टाइप है ना, थोड़ा पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, इसको ट्राई करो। देखो कौन कौन से ऑप्शन आपने कार्ड दिए, मेरे ख्याल से एक तो आपने ये कार्ड दिया होगा टू थिंक डीपली, अब इसको लेके कोई थिंक डीपली नहीं करता। अब किसी के हाथ में खंजर है, चाकू है, तो वो ये तो नहीं करने वाला, तू भी कन्फ्यूज भी नहीं होगा वो, है ना। अब देखो टू थ्रो द डैगर, अब वो फेंकेगा भी नहीं उसको, तो बच कौन सा गया, एक ही ऑप्शन बच गया आपका, टू बी ब्रिटली हॉस्टाइल, ठीक है। ये बहुत मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो देखो ये थे डायरेक्ट वाले, इसमें आपको सोचना पड़ेगा एक, अब इनडायरेक्ट वाले बता देता हूँ मैं आपको। देखो एक तो मैंने आपको करवा दिया था, दूसरा ये दो क्वेश्चन और करो, आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। ये अलग करना, देखो क्या बोल रहा है, आई जस्ट पेड हिम ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। हमेशा याद रखना जब भी कभी भी एक आदमी है, ठीक है, इसका ये हो गया राइट हैंड, इसका ये हो गया लेफ्ट हैंड, तो कोई भी राइट हैंड से जो भी काम होता है वो पॉजिटिव काम होता है, अच्छा अच्छा काम माना जाता है, और जो भी लेफ्ट काम से होता है वो नेगेटिव माना जाता है, नेगेटिव काम माना जाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद होना चाहिए, अगर जो पेड़ वाले बैच में उनको सब पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड से कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो उसका मतलब वो ताना मार रहा है, या तो फिर जस्ट आई पेड ही में लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, उसने उसको लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट दिया, तो एन ऑनेस्ट ये तो पॉजिटिव हो गया, ए वेल डिजर्व्ड ये भी पॉजिटिव हो गया, फ्लैटरिंग का मतलब भी पॉजिटिव होता है, किसी को होता है ना फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग करना है ना, हो गया इन सीरियस, क्या इन सीरियस, इन सिंसियर, सॉरी इन सिंसियर, इन सिंसियर क्या हो गया, देखो इन सिंसियर का मतलब क्या चीज़ होता है, जो बच्चा सिंसियर होता है आपको पता है वो कैसा होता है, और इन उसके आगे लगा दिया, तो इन सिंसियर मतलब जो ऑनेस्ट ना हो या फिर अपने टाइम का पाबंद ना हो, इस तरीके से इन सिंसियर हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर होगा सी, देखो क्योंकि आपको पता लग गया लेफ्ट हैंड से जो भी काम होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। बस इतना सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, तो ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, ये नहीं होने का, एक ही बच गया इन सिंसियर। आगे चलते हैं, ये अलग क्वेश्चन करो प्लीज़, एक बार इसको खुद ट्राई करना गाइस, प्लीज़ एक बार, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ कि आप सभी इसका आंसर कमेंट करें प्लीज़। देखो क्या बोल रहा है, द पार्टी स्टॉलवर्ट्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर ए वाइल। एक होता ना मुद्दे को दबाना उस तरीके की, मतलब यहाँ पे बात आपको सेंटेंस से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, मतलब टू टेक इट लाई डाउन, टू टेक इट लाई डाउन। तो अब इसका आप एक बार एलिमिनेट करो कि कौन सा कटेगा, बताओ एक अभी नीचे से करते हैं, टू बी कॉशियस, टू बी डिफेंसिव, टू टेक रेस्ट, टू शो नो रिएक्शन, इसमें से कौन सा कटेगा। सबसे पहले जो मैं काटूंगा टू टेक रेस्ट काटूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पे लाइंग का मतलब लेटना होता है, तो उसने इसका लिटिल मीनिंग लिखा यहाँ पे, है ना, जो उसका रियल मीनिंग होता है, तो ये तो नहीं होगा, या तो फिर ये होगा टू शो नो रिएक्शन, टू बी ऑन डिफेंसिव, टू बी कॉशियस। देखो गाइस एक क्वेश्चन आपका फंस गया अगर आपको नहीं आता, तो फिर मैं इसको बता रहा हूँ। एक होता है ना, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के भी नहीं पता चल रहा, तो एक बार सेंटेंस को दोबारा से पढ़ लो क्या बोल रहा है इसके अंदर। एक होता है ना कि अभी कुछ मत करना, अच्छा मूवीज के अंदर बोलते हैं कि अभी मामला गर्म है, अभी मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी कुछ मत करना, ठीक है, तो शो नो रिएक्शन, इसका आंसर ये होगा। मतलब थोड़ा सा ना अपने अपनी लाइफ को ना थोड़ा मूवी से रिलेट करो, तो टेक इट लाई डाउन, मतलब थोड़ा सा आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन फंस गया था, मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो टू बी ऑन डिफेंसिव भी हो सकता है इसका ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, तो एक आधा क्वेश्चन तो फंस जाएगा, वही मैंने कहा था अगर तीन क्वेश्चन आ रहे हैं तो दो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे इस वाले ट्रिक से। एक क्वेश्चन फंस सकता है, जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं फंसा, यहाँ पे सारे तीनों के तीनों हो गए थे, ठीक है। तो अगर सेंटेंस वाला आता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि आप इसके अंदर क्या है, हिंट हिंट है, हिंट भी मिलता है, एक प्लस एक हिंट मिलेगा आपको साथ में, इसके अंदर कोई हिंट नहीं मिलता। तो ये वाला थोड़ा सा बच्चों के जिनको याद होगा, जिसको बहुत सारे याद है, तो वो कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सेम टू सेम मिल जाएगा गाइज, थोड़ा सा ना मतलब दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में, चलो अब एक तो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स के जो डाउट हैं बच्चों के, वो भी करवा देता हूँ मैं।